पुलिस की बड़ी कार्रवाई। ₹14,74,000 अवैध रोग रकम जब्त। रेल द्वारा पैसे का अवैध परिवहन। गोंदिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर जनशताब्दी एक्सप्रेस में अवैध रूप से 14,74,300 रुपए के नकद राशि का परिवहन कर रहे रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी संजीत मंगल बहरा उम्र 35 वर्ष के पास से रेलवे पुलिस ने रकम बरामद की है। गोंदिया रेलवे स्टेशन पर अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे पुलिस गोंदिया लगातार जाँच कर रही है। जाँच व गश्त के दौरान रेलवे पुलिस को गोपनीय सूचना मिली थी कि रायपुर से आ रही जनशताब्दी एक्सप्रेस में कुछ संदिग्ध सामान ले जाया जा रहा है। ये सूचना मिलते ही वे वर्टिकल जनशताब्दी एक्सप्रेस के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर पेट्रोलिंग शुरू कर दी। इसी दौरान उन्हें एक व्यक्ति संदिग्ध अवस्था में मिला। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम संजू मंगल बेहरा उम्र 35 वर्ष बताया। तरुनगर काली माता मंदिर वार्ड पंडित रितलाई जिला रायपुर और इस ट्रेन से रायपुर जाने की सूचना दी। कंधे पर लगे बैग के बारे में पूछे जाने पर उसने असमर्थता दिखाते हुए किसी भी तरह से संतोषजनक जवाब नहीं दिया। इसलिए उसके बैग की जांच की गई, जिसमें 2,500, 200 और 100 रुपए के नोट मिले। राशि की गणना करने पर ये 14,74,300 रुपए निकले। उन्होंने इस राशि के स्वामित्व के संबंध में कोई दस्तावेज या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। इस मामले की जानकारी गोंदिया रेलवे पुलिस ने आयकर विभाग गोंदिया को दी है। ये राशि अवैध कारोबार से जुड़ी बताई जा रही है। BS क्राइम इंडिया न्यूज के साथ जुड़े रहने के लिए यूट्यूब, वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर वीडियो देख लाइक, कमेंट और शेयर करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूले और गूगल प्ले स्टोर से bscrimeindianews.com की एप्लीकेशन को डाउनलोड कर रोजाना ताज़ा खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे।